यशपाल कमेटी 93 नॉट 2093 की बात कर रहे हैं जो स्कूल लेवल पर थी, लर्निंग विदाउट बर्डन। जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये क्वेश्चन नहीं बनाया तो उसका उत्तर यशपाल कमेटी ही है। मेन क्वेश्चन जो हैं इसमें थोड़े से शायद एक दो क्वेश्चन दूसरे पिछले आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कहते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन, यशपाल कमेटी, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यशपाल समिति। ओके, दूसरा है ये कब कमेटी बैठी। अगर तो ये ऐसे हैं तो ये हायर की बात आ रहे हैं, ये 8 और 9 है तो आप 9 को प्रेफर करोगे जब रिपोर्ट सबमिट हुई। ओके, जब अगर पूछा जाए कब कमेटी गठित की गई वो 8 पूछे करोगे, लेकिन ये हायर एजुकेशन का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ। यही क्वेश्चन अगर ये आप डालो 91, 92, 93 और 94, है ना, तो ये राइट आंसर होगा 93। जब कब कमेटी गठित हुई तो 92 ठीक होगा। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट वाज मेन फोकस ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट। हिंदी में इधर साथ साथ में करता चलूंगा, ये रहा रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ एग्जामिनेशन। हाँ, करना तो चाहते थे यार, यस टिक करूंगा। इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, नहीं ये नहीं फोकस था। एनहांसिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यस ये भी था, बेटर करना था। प्रमोटिंग वोकेशनल एजुकेशन, ये नहीं था। अब रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ एग्जामिनेशन, और इनमें से किसको चूज करोगे, कि टीचर ट्रेनिंग पहला पर्पज था या बच्चों पर, क्योंकि रिपोर्ट क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, दैट इज वाई इसको चूज करेंगे एज राइट आंसर। बर्डन इसका मेन सेंट्रल आइडिया है, बट मेंटल बर्डन, नॉट फिजिकल बर्डन। द यशपाल कमेटी 93 क्वेश्चन नंबर 4 है, ये रहा। रिकमेंडेड द एवोल्यूशन ऑफ विच एग्जामिनेशन, देखिए उन्होंने कहा था कि 10th के भी रहने दो, 12वीं के भी रहने दो, कॉलेज आए, यहाँ पर अगर दो ठीक है तो ऑल ऑफ दी अबव ही राइट आंसर होगा। उन्होंने कहा था क्विज या कंसेप्ट बेस्ड टेस्ट होने चाहिए, एग्जाम होने चाहिए, जैसे अब हो रहे हैं वैसे नहीं होने चाहिए। दैट इज वाई उन्होंने रिजेक्ट किया बोर्ड एग्जाम को, ये कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू यशपाल कमेटी रिपोर्ट व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ एजुकेशन। रोट लर्निंग हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। स्किल डेवलपमेंट था, उन्होंने हमने पहली उसमें भी पढ़ा था, क्योंकि मेमोराइजेशन ये भी नहीं है, ये पुरानी बीमारियां हैं अभी तक चल रही हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के टेस्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट यशपाल कमेटी के टेस्ट जो क्वेश्चन है बिल्कुल मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 93 एम्फेसाइज द नीड ऑफ एजुकेशन टू बी कॉम्पिटेटिव इंक्लूसिव ट्रेडिशनल रिजिड। देखिए नेगेटिव वर्ड कौन से हैं जो उनसे मैच नहीं, कॉम्पिटेटिव नहीं, उन्होंने कोऑपरेटिव कहा था, ठीक है ये रिजेक्ट हो गया, इसलिए इंक्लूसिव ठीक है, ट्रेडिशनल नहीं ठीक, क्योंकि उन्होंने इंटेग्रेटेड टेक्नोलॉजी वगैरह की बात, रिजिड तो बात करनी नहीं है, तो राइट आंसर इंक्लूजन है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। 6वां क्वेश्चन है समावेश, यहाँ होगा हिंदी में समावेशी, है ना, ये राइट आंसर होगा। 7th में विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, इसको मैं करूँगा 6 है यार, वो भी कर लूँ, इसको आगे भी कर लूँ, ये रहा आगे, नॉट को ऐसे कर लूँ, नॉट रिकमेंडेशन ऑफ द यशपाल कमेटी रिपोर्ट एनकरेजिंग इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, किया तो था यार उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, लेकिन हायर एजुकेशन में थी, है ना, टिक लगा रहा हूँ भी, जहाँ डाउट लगा रहा हूँ। प्रमोटिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यस ये भी किया था, ये भी किया। रिड्यूसिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्क्स एंड, यार ये भी किया। इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये नहीं किया, तो नॉट पूछा है, ये वाला राइट आंसर, ये क्रॉस वाला राइट आंसर हो गया। यहाँ पर मानकीकृत परीक्षणों की संख्या बढ़ाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं, नेवर। आगे चलते हैं, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 93 सुजेस्टेड द इम्प्लीमेंटेशन, 8th है, ऑफ अप्रोच और टू एजुकेशन, वन साइज फिट्स ऑल, ये वैसे इंक्लूसिव एजुकेशन की टर्म है, कि जैसे एक स्ट्रक्चर है, एक क्लासरूम है, एक लेसन प्लान है, एक मेथड ऑफ टीचिंग है, सभी के लिए वो सेम हो, ऐसे नहीं है। हर की ईशान है तारे ज़मीन पर, उसकी नीड डिफरेंट थी, आमिर खान ने उनको डिफरेंट तरीके से पढ़ाया, तो ये बिल्कुल रिजेक्टेड है, वन साइज फिट ऑल रिजेक्टेड है। चाइल्ड सेंटर, यस टीचर सेंटर से चाइल्ड सेंटर, आगे
कमिटी बेस, ये भी अच्छी अप्रोच होती है। हाँ इसको वो नहीं कह सकते, लेकिन राइट आंसर यहाँ पर ये है, ये रहा बाल केंद्रित, समुदाय आधारित नहीं है, ये भी करिकुलम होता है ये, और ये अच्छा करिकुलम ये भी होता है, इसकी मर्ज भी हो जाता है चाइल्ड सेंटर से। अकॉर्डिंग टू यशपाल कमेटी रिपोर्ट, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशन सिस्टम, सोली डिलीवर इफेक्टिव एंड इंटरेक्टिव लेक्चर। देखिए कन्फ्यूजिंग है, इंटरेक्टिव पॉजिटिव है, ये रहा पॉजिटिव, है ना, लेक्चर नेगेटिव ही है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि लेक्चर में ये रहे टीचर और ये रहे स्टूडेंट और ये बोलेंगे ये सुनेंगे, वन वे प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस, तो वन वे प्रोसेस अच्छी नहीं है। ओके इमरजेंसी में अच्छी है, कई स्थितियों में अच्छी हैं, लार्जली अप्लाई करनी अच्छी नहीं है। फैसिलिटेट लर्निंग, यार लर्निंग का हमेशा ही पॉजिटिव, जो इसको बेस्ट बेस्ट ऑप्शन कहा है। फोकस डिसिप्लिन नहीं है, चाहिए लेकिन डाउन है। इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस है लेकिन वीक है, इनमें से वीक है, बेस्ट ऑप्शन है फैसिलिटेट लर्निंग। सीखने की सुविधा को राइट आंसर के तौर पर हमने इस क्वेश्चन के आंसर में चुना है। टेंथ क्वेश्चन है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 93 रिकमेंडेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डैश इन टू करिकुलम। तो टेंथ क्वेश्चन है, इधर हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड म्यूजिक, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव को चुनेंगे। ठीक, जल्दी से निपटारा हो गया। ग्यारहवां क्वेश्चन है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 93 प्रपोज द शिफ्ट फ्रॉम डैश डैश टू कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन। नेचुरली या एग्जाम सेंटर्ड होगी या सबमिटिव एवेल्युएशन होगी, सबमिटिव एवेल्युएशन है यहाँ। ठीक है, ये पहली पुरानी थी और फॉर्मेटिव या कंटिन्यूअस ये नई वाली है। ठीक है, तो इस ये राइट आंसर है, सबमिटिव एवेल्युएशन से शिफ्ट करके हमें CCE की तरफ ले जाया गया। सब बाद में CBSE ने CCE को बड़ा स्ट्रक्चर बना के कैसे कैसे बच्चों को कंटिन्यूसली एवेल्युएट करना है, रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, है ना, ये रेटिंग स्केल, इनकी बातें की। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें है योगात्मक मूल्यांकन, ये इसका राइट आंसर है। बारहवां क्वेश्चन है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 93 सुजेस्टेड टू रिड्यूस द सिलेबस बाय, कितना सिलेबस रिड्यूस करने के लिए कहा, हिंदी में कितने परसेंटेज हैं? सिंपल आंसर है 30% इज राइट आंसर। तेरहवां क्वेश्चन है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 93 रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डैश स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, इंक्लूसिव स्कूल, स्पेशलाइज्ड स्कूल, वोकेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल। देखिए रेजिडेंशियल भी स्पेशल बन जाते हैं, जैसे वो गर्ल्स के लिए कस्तूरबा गांधी है ना स्कूल हैं, तो वो अच्छे हैं, इट मीन्स ये पुअर ऑप्शन नहीं है, लेकिन इंक्लूसिव सबसे ऊपर है। इंक्लूसिव कैसे होती है? इक्विटी बेस, EQUIT, इक्विटी। इक्विटी होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि कोई बच्चा जिसके जिसको कोई प्रॉब्लम है उसको एक्स्ट्रा हेल्प दे रहे हो, बाकियों के मुकाबले इक्वल हेल्प नहीं दे रहे, उसको ज़्यादा हेल्प दे रहे हो, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये इंक्लूजन भी है। अकॉर्डिंग टू यशपाल कमेटी, चौदहवां क्वेश्चन है, रिपोर्ट विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स द बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, गुड क्वेश्चन भाई। लैक ऑफ एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी, यस ये भी नोट किया गया था, छोटा टिक लगा रहा हूँ। ओवर एम्फसिस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, हाँ पर इस पर दो टिक लग रहे हैं क्योंकि हम बुक 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 कर रहते हैं। मैं जी वो है ना थ्री इडियट में 92.96.7% मतलब मार्क्स की बात कर रहे हैं, थ्योरी की नॉलेज है, बच्चे को आता कितना है, प्रॉब्लम लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि नहीं ये नहीं देखते। शॉर्टेज ऑफ बुक, एब्सेंस ऑफ होमवर्क, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा सा है, लेकिन बेस्ट ये है थ्योरेटिकल नॉलेज पर हमने ज़्यादा जोर दिया हुआ है ना। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यशपाल कमेटी टेक्स्ट बुक शुड बी, यशपाल कमेटी के अनुसार शुड बी एज ए स्कूल प्रॉपर्टी डिस्करेज्ड, एलुस्ट्रेटिव, क्रिटिकल। देखिए ये ऑप्शन अच्छा है कि एलुस्ट्रेटिव चाहिए है ना, क्रिटिकल चाहिए ये भी अच्छा है, डिस्करेज नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था स्कूल प्रॉपर्टी होगी क्योंकि बच्चा ये रहा, बच्चा ये बैग उठाया है उसने और पहले घर गया फिर स्कूल आया, ये भी सुरजीत पात्रा है ना कि असी खोते हैं कि असी तोते हैं,
बड़ी अच्छी पोयम है, पढ़ लेना। अच्छा, यशपाल कमेटी 93 रिपोर्ट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। 16वां क्वेश्चन है हिंदी में, इधर देख सकते हो। डिजिटल टेक्नोलॉजी, यस यार, टिक लग गया है ना। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, नो यार। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, यस है, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, इतना फोकस नहीं किया, इतना ये वीक है या क्वेश्चन मार्क है। टीचर स्टेटस, टीचर की एजुकेशन की बात की है, स्टेटस की नहीं उन्होंने की, ये क्वेश्चन मार्क, ये राइट है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, यहाँ पर क्या है, डिजिटल तकनीक को यशपाल कमेटी ने एम्फेसाइज किया है। यशपाल कमेटी रिपोर्ट 93 रिकमेंडेड दैट द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एट द प्राइमरी सेकेंडरी हायर ग्रेजुएट लेवल। अब क्या बनेगा भाई यार, रिपोर्ट जो है वो मेनली, अगर तो 2009 लिखा है तो आपने चूज हायर एजुकेशन करना है, अगर 93-92 लिखा तो आपने सेकेंडरी करना है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड बन गई है। 18वां क्वेश्चन है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 93 हाइलाइट्स द नीड फॉर डैश इन द एजुकेशन सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन, क्रिएटिविटी, कंपटीशन, प्राइवेटाइजेशन। राइट आंसर, क्रिएटिविटी इज पॉजिटिव, ओके, स्टैंडर्डाइजेशन नेगेटिव, ओके, कंपटीशन नेगेटिव, प्राइवेटाइजेशन नेगेटिव। प्राइवेटाइजेशन को दोनों खत्म करने के लिए कहा, क्रिएटिविटी ये रहा, यहाँ पर नहीं है। रचनात्मकता 18वें का होगा, यहाँ पर रचनात्मकता राइट आंसर है। 19वां, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 93 एडवोकेट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डैश इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन ही कहा था, सभी को शामिल करना है। ऐसे ही हिंदी में भी देख लो, लेकिन वो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यशपाल कमेटी रिपोर्ट 93 रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ डैश टू ओवरसी द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यशपाल कमेटी रिपोर्ट 93 ने शैक्षणिक संस्थाओं की देख रेख के लिए डैश के निर्माण की सिफारिश की थी। किसकी सिफारिश की थी, एजुकेशनल कमेटी की, वो लोकल लेवल पर होनी चाहिए या एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दिस, नहीं, रेगुलेटरी, कंट्रोल करने वाली, नियामिक निकाय, है ना। 21st क्वेश्चन है, लास्ट है कि नहीं पता नहीं। अकॉर्डिंग टू यशपाल कमेटी रिपोर्ट, व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ एजुकेशन, यशपाल कमेटी, हाँ, अचीविंग हाई ग्रेड्स, नहीं, ये तो फिर नंबर हो गया, ये नैरो है। प्रमोटिंग सोशल मोबिलिटी, यार अच्छी बात है, सोशल मोबिलिटी भी, किसी बच्चे का स्टेटस, सोशल रिस्पेक्ट और स्टेटस अपवर्ड ले जाना, इसको सोशल मोबिलिटी कहते हैं, वर्टिकल मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी। अच्छा, एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी, उसको यार रोजगार दिलवा दो, नहीं, ये अच्छी बातें हैं, ठीक है, लेकिन यशपाल कमेटी ने नहीं कहा, उन्होंने होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की है, तो राइट आंसर इज डी, ये जो है समग्र विकास। ये था यशपाल कमेटी का। नेक्स्ट सेट में और एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, डिफ़िकल्ट होंगे, आप देख सकते हो, लिंक नीचे दिया गया होगा। ऐसे ही हायर एजुकेशन पर भी नेक्स्ट सेट होगा, एक सेट आ चुका है, उनके कंसेप्ट डिफरेंट डिस्क किए हैं, इसका कंसेप्ट भी जो है, फीचर जो हैं, इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसका अलग से वीडियो है, वो देख सकते हो, नीचे लिंक दिया गया। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।